हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग टाइप के इंकिंग स्टाइल्स की। एक्चुअली मैंने अपने हिसाब से जो नाना प्रकार के जो इंकिंग स्टाइल्स हैं उनको पांच कैटेगरीज में बांटा है, जिनको मैं कहता हूँ क्लासिक टाइप, एकेडमिक टाइप, क्लीन टाइप, ब्लॉकी टाइप और रियलिस्टिक टाइप। तो यू नो उनके कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं और कुछ के एक आध ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यू नो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से वो स्टाइल्स हैं और यू नो क्या उनके क्वालिटीज हैं या ड्रॉबैक्स हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लासिक टाइप से। यहाँ पे जो दो काम मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ वो है एक ये वाला फ्रैंक फ्राजेटा का लेजेंडरी फैंटेसी आर्टिस्ट, और दूसरा ये वाला काम है मार्क शल्ट्स का। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली, मार्क शल्ट्स, SCHULTZ। तो बेसिकली दोस्तों मैं इसको क्लासिक टाइप इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप जब ये काम देखते हैं तो You know, आपको एक क्लासिक illustrations वाली वाइब आती है। हालांकि इन दोनों में आई थिंक ये फ्रैंक फ्राजेटा का काम बहुत पुराना है और ये वाला काफ़ी नया है, बट जो सिमिलैरिटीज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज काम ब्रश से किया गया है, जो proportions हैं दे आर फेयरली क्लोज टू रियलिज्म, और इसमें काफ़ी जो है रियलिस्टिक लाइट एंड शेड का भी इस्तेमाल किया गया है, और जो टोन्स वगैरह हैं शेड्स वगैरह हैं उसको भी रियलिस्टिक की तरह ही रखा गया है। तो यू नो ये सारे प्रिंसिपल्स मेनली जो क्लासिक टाइप के आर्ट वर्क्स होते हैं उनमें फॉलो किया जाता है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम क्लासिफाइंग दिस एज द क्लासिक टाइप। इसमें मेनली ब्रश और जो डिप पेन होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं इन आर्ट वर्क्स को क्रिएट करने के लिए। सो दोज़ कुड बी टर्म्ड एज क्लासिक टूल्स, आई गेस। दूसरा है दोस्तों हमारा एकेडमिक टाइप। वैसे एकेडमिक टाइप आई थिंक आई डोंट नो कितना सही है ये नाम, ये बस मैंने फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म मैंने एकेडमिक टाइप रख दिया। इसको आप एक जनरल स्टाइल भी कह सकते हैं या रेगुलर स्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो वाला स्टाइल है जो यू नो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कॉमिक बुक आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर्स फॉलो करते हैं। ये काम है जिमली का, आप तो जान ही होंगे। ये दूसरा काम है ये वाला गैरी फ्रैंक का, जो मैं एग्जांपल को के तौर पे दिखाना चाहूँगा। इनका जो क्वालिटीज़ है दोस्तों ये वो ये है जो इनको मतलब अलग बनाती है, वो ये है दोस्तों कि इनमें मतलब जो बेसिक रूल्स हैं जो हमें ड्राइंग या आर्ट क्रिएशन में यू नो बताए जाते हैं कि हमारा एक तीन टोन्स में काम होता है। हमारा एक सबसे डार्क टोन हो गया जो ये ब्लैक पैच है, उसके बाद हमारा लाइट टोन हो गया हाईलाइट, और तीसरा ये जो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक और जो है टोन है, हाफ टोन या मिड टोन आप कह सकते हैं, तो या उसको आप रेंडरिंग भी कह सकते हैं, जो जनरली स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए हैचिंग का इस्तेमाल करते हुए दिया जाता है। तो ये है ये इस वाले टाइप की क्वालिटीज़ दोस्तों। ये क्लासिक टाइप से ऐसे अलग है कि बेसिकली इसमें एक लेवल ऑफ एग्जैजरेशन होता है बोथ लाइटिंग में या फिर जो बॉडी प्रोपोर्शन है उनमें, इसीलिए और जो फेशियल्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी स्टाइलाइज्ड होते हैं। क्लासिक टाइप में ये क्वालिटीज़ नहीं देखने को मिलती, या अगर हैं भी तो आई वुड से कि बहुत कम, रेयरली। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन टोन्स को बहुत लाया गया है, बट ऑल इसमें वैसे फेसेस तो नहीं दिख रहे हैं। ये रोशेक का फेस भी मास्क से ढका हुआ है, ये जोकर है तो उसका भी फेस इसमें दिख नहीं रहा, बट एक लेवल ऑफ एग्जैजरेशन इसमें भी है। और इसमें दोस्तों मतलब बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लासिक स्टाइल की तरह, यू नो बस पेन और निप पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि ये मतलब क्लासिक टाइप के बाद इसको डेवलप किया गया है इस वाले स्टाइल को, तो
तो टाइम के साथ काफ़ी सारे टूल्स बढ़ भी गए हैं, मतलब अवेलेबल हो गए हैं बहुत सारे ऑप्शन। तो तीसरे टाइप पे चलते हैं दोस्तों, ये है क्लीन टाइप। इसमें बेसिकली दोस्तों यू नो लाइट एंड शेड ना के बराबर किया जाता है और लाइंस बहुत ही क्लीन और क्रिस्प रखी जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लेजेंडरी लेट माइकल टर्नर का काम है, बहुत ही क्लीन है और बिल्कुल ना के बराबर लाइट एंड शेड है, हल्का फुल्का सजेशन है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये डॉक शेनर का काम है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है लेजेंडरी फ्रैंक क्वाइटली का काम, बहुत ही खूबसूरत, कोई शेड नहीं है, बहुत ही मिनिमल ब्लैक्स हैं और ज़्यादातर काम लाइन से किया गया है। तो दोस्तों ये काम मतलब इस काम की खासियत ये है कि इसमें कलर्स बहुत उभर के आते हैं, बट कलर्स को भी थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे उसमें चलते हैं, सॉरी चौथे स्टाइल में, दिस इज़ द ब्लॉकी स्टाइल गाइस। तो ये माइक मिन्योला का काम है, ये एडुआर्डो रिस्सो का काम है और ये द लेट ग्रेट जॉन पॉल लियोन का काम है। इसमें दोस्तों कंट्रास्ट में बहुत खेला जाता है, आप देख सकते हैं ब्लैक पैचेस, बहुत हैवी ब्लैक पैचेस का इस्तेमाल किया जाता है शेडोज़ के लिए, और जो मिड टोन होता है, जो हैचिंग या रेंडरिंग आप कह सकते हैं, उसका ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ये माइक मिन्योला का पुराना काम है वैसे तो, रिलेटिवली ये 1994 में बनाया था उन्होंने, तो तब उनका स्टाइल थोड़ा सा यू नो एकेडमिक टाइप का था जो कि एवॉल्व हो रहा था। अब अगर आप अभी हाल का काम देखेंगे तो वो बिल्कुल ही पैची हो चुका है, मतलब ब्लैक्स और वाइट्स में काम होता है, बस ऐसी लाइंस बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो मिड टोन है बिल्कुल इसमें नहीं डाला गया है, पूरा पैचेस में काम किया गया है। जो फोकल पॉइंट है उसको भी यू नो कॉन्ट्रास्ट के द्वारा ही फोकस में लाया जाता है। और इसमें दोस्तों आई फील कि जो लाइन क्वालिटी होती है एज इन यू नो थिकनेस वगैरह वगैरह, उसका भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है इसमें, बिकॉज ज़्यादातर जो फोकल पॉइंट का काम होता है या डिस्टेंस दिखाने का काम होता है वो लाइट एंड शेड से और ब्लैक पैचेस से किया जाता है। तो अब आते हैं दोस्तों आखिरी स्टाइल में, जो है रियलिस्टिक टाइप। ये कंपैरेटिवली इन सब जो बाकी चार स्टाइल्स हैं उनसे नया है दोस्तों। इसमें कॉपिक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ये काम है माइको हो सकता है, MICO मीको स्वायान का काम, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये है ली बर्मीहो का काम और ये है लुइस लारोसा का काम। तो दोस्तों इनमें आप देख सकते हैं पूरे रियलिस्टिक शेड्स लाए गए हैं, मतलब पहले तो जो एकेडमिक टाइप है या क्लासिक टाइप है उसमें तो तीन टोन्स में काम हो रहा था बस, इसमें जो है सारे के सारे टोन्स लाए गए हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी क्लोज टू रियलिस्टिक है। आई फील इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कलर्स को उतना निखरने का उभरने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज ऑल द शेड्स हैव बीन यू नो एडेड बाय द यू नो लाइन आर्टिस्ट, या इसमें लाइन आर्टिस्ट तो आई थिंक कहना सही नहीं होगा, द ब्लैक एंड वाइट आर्टिस्ट हिमसेल्फ। तो ये यही है वो पांच स्टाइल्स दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो पांच इंकिंग स्टाइल्स और आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अगर नहीं भी लगा तो आगे वाले वीडियोस में कोशिश करूँगा कि वो हेल्पफुल लगे, और यू नो आई होप थोड़ी इंसाइट तो मिली होगी। और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको, अगर आपको लगता है कि कुछ और इंकिंग टाइप की हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स में आप बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका इंकिंग स्टाइल किसी यू नो मेरे बताए हुए कैटेगरी में फिट बैठता है तो भी ज़रूर बताइएगा, आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू नो। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, एंड अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, अभी आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, और या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।